धर्मा के बॉस की फिल्म करने से मिस रनौत ने किया साफ इनकार। बहन रंगोली का ट्वीट और ज्यादा बढ़ा ना दे दोनों के बीच की तकरार। नेपोटिज्म को लेकर लड़ाई लड़ रही पद्मश्री, कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली ने एक बार फिर करण जौहर पर निशाना साध दिया है। इस बार करण का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने मिस रनौत को फिल्म ऑफर करने वाला स्टेटमेंट जो दे दिया था। दरअसल हुआ यूं कि हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए करण जौहर से एक इंटरव्यू में कंगना को लेकर सवाल किया गया तो करण ने बेबाकी से जवाब दिया। इतना ही नहीं, करण ने तो कंगना को लेकर फिल्म बनाने का ऐलान भी कर दिया। करण ने कहा, कल अगर मेरे पास एक फिल्म होगी जिसके लिए मुझे कंगना की जरूरत है तो मैं फोन उठाऊंगा और उन्हें फोन करूंगा। जो भी समस्या है, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा गया है वह मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं एक फिल्म निर्माता हूं और वो एक कलाकार हैं। मैं उन पर विश्वास करता हूं और उनके साथ खड़ा रहूंगा। करण का ये स्टेटमेंट आए कुछ ही देर हुई थी कि रंगोली ने साथ दिया नेपोटिज्म को आगे बढ़ाने वाले करण जौहर पर निशाना। रंगोली ने ट्वीट कर लिखा, करण जौहर जी कह तो ऐसे रहे हैं कि जैसे फोन करने पे कंगना आ जाती है। भाई साहब, आपके और मेरे चाहने से क्या होता है? कंगना को तो स्क्रिप्ट चाहिए होती है, कभी होगी आपके पास उसके लायक स्क्रिप्ट? रंगोली ने आगे लिखा, आखिरी बार कंगना ने केजो की फिल्म ए दिल है मुश्किल देखी थी। वो काफी कंफ्यूज हो गई कि फिल्म में कैंसर पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही है, फिर भी क्रीपी लड़का जबरदस्ती करता है और कहता है अब तो मेरी हो जा, अब तो तुझे कैंसर है। कंगना को इस स्टोरी से काफी शॉक लगा। केजो जी, अगर ऐसी स्क्रिप्ट्स लेकर आओगे तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। प्लीज कंगना से दूर रहो, सबकी भलाई इसी में है। रंगोली ने तो हाल ही में आलिया को भी नहीं बख्शा था। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुई कंगना को आलिया ने फूलों का गुलदस्ता भेजा था तो भी रंगोली ने तंज कसते हुए ट्विटर पर शेयर किया था। बता दें, हाल ही में करण जौहर, कंगना रनौत, एकता कपूर और अदनान सामी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था।